दोस्तों, आज हम एक नन्हे कलाकार से जुड़ी बात करेंगे। इस कलाकार ने कई फिल्मों में काम किया। इनकी हर फिल्म में एक अलग भूमिका रही है जो सबको बेहद पसंद आई है, चाहे वो चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में हो या फिर एक नव युवक कलाकार के रूप में। इनके एक्टिंग को सबने सराहा। आज ये देखने में बहुत हैंडसम हो गए हैं और इनके लाखों फैंस हैं। उनकी कड़ी मेहनत ने इनको शोहरत हासिल करा दी है। तो आइए जानते हैं कौन है वो। आज हम राजा हिंदुस्तानी फिल्म के बाल कलाकार रजनीकांत और कुणाल खेमू के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इनकी एक्टिंग राजा हिंदुस्तानी में पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। कुणाल का जन्म 25 मई 1983 को हुआ। ये एक भारतीय फिल्म के अभिनेता है। इन्होंने कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। आपको राजा हिंदुस्तानी, हम है राही प्यार के, ये फिल्में तो याद ही होंगी। इन फिल्मों में कुणाल ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। कुणाल एक कश्मीरी पंडित परिवार से बिलोंग करते हैं। 2005 में फिल्म कलयुग में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। 2007 में बतौर लीड एक्टर इनकी पहली फिल्म ट्रैफिक सिग्नल रिलीज हुई। 2007 में इनकी दूसरी मूवी ढोल रिलीज हुई। 2010 में गोलमाल 3 में लक्ष्मण की भूमिका में ये सहायक बने। कुणाल 2013 में एक्ट्रेस सोहा अली खान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और 25 जनवरी को इन दोनों ने शादी कर ली। कुणाल और सोहा की एक छोटी सी बेटी है। कुणाल बेहद ही हैंडसम एक्टर हैं। तो दोस्तों, आपको कुणाल खेमू के बारे में जानकर कैसा लगा, अपने कमेंट जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए।